हमने एक ऐसा तरीका डिस्कवर किया है जिसमें आप अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे सीधा सीधा 1% कैशबैक कमा सकते हो। इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप लाइक क्रेड या चेक को यूज नहीं करना है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग HDFC's बिल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितना कैशबैक मिलेगा, पेमेंट कैसे करनी है, उस कैशबैक को यूज कैसे करना है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आप यूज करते हो तो वहां पर आपको कैशबैक की कोई गारंटी नहीं मिलती है। क्रेड में आपको क्रेड कॉइन्स मिलते हैं जिसका कन्वर्जन मुझे आज तक समझ नहीं आया। चेक में पहले आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे लेकिन उन्होंने भी अब कम कर दिए हैं, लेकिन HDFC बिल पे में आपको पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंटली 1% का कैशबैक मिल रहा है। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसको यूज करने के लिए, ये 1% का कैशबैक कमाने के लिए आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो HDFC में होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कोई भी वो चलेगा लेकिन आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो HDFC में ही होगा, तभी आपको एक कैशबैक मिलेगा। क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने के लिए HDFC का डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपको जो 1% का कैशबैक है वो भी आपके HDFC के डेबिट कार्ड में ही आएगा। चलो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो है क्या। सबसे पहले आपको HDFC की वेबसाइट पर जाके नेट बैंकिंग, अपने नेट बैंकिंग ऑप्शन में जाना होगा। यहां से आपको बिल पे एंड रिचार्ज ऑप्शन में जाना होगा जो आपको यहां से दिख जाएगा। इसमें आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे आपको ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन भी दिख जाएंगे। आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू मेजर पॉइंट्स हियर। फर्स्ट इज दैट इस पूरे मेथड में एक मेजर लूप होल है कि इसमें HDFC का ही खुद का क्रेडिट कार्ड सपोर्टेड नहीं है। दिस आई थिंक इज अ मेजर मिस फ्रॉम HDFC बैंक, लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है जिससे आप कैशबैक कमा सकते हो और वो ऑल्टरनेट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको कितना कैशबैक मिलेगा विल डिपेंड ऑन द HDFC डेबिट कार्ड दैट यू हैव। अगर आपके पास इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड है HDFC का, देन आपको मैक्सिमम 750 का कैशबैक मिलेगा पर मंथ। यानी कि अगर आपका 75,000 का बिल है क्रेडिट कार्ड का एंड अगर आप उसे पे करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। उससे ज्यादा का बिल है तो 1% से कम का। इसके अलावा अगर आपके पास इजी शॉप इंपेरिया है, अगर आपके पास प्रेफर्ड है, क्लासिक है, विमेंस एडवांटेज है, तो भी आपको 750 का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास HDFC का मिलेनियम डेबिट कार्ड है तो आपको मैक्सिमम 400 का कैशबैक मिलेगा इन अ मंथ। यानी कि अगर आपका 40,000 का बिल है और अगर आप उसे पे करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। उससे ज्यादा का बिल है तो आपको 1% से कम का कैशबैक मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल विद यू। हम पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें फाइनेंस एंथुसियास्ट लाइक यू, आप जैसे लोगों की जरूरत है। अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका लिंक बायो में है एंड सेम लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोगों को अमेजोन का 10,000 का कूपन भी मिलेगा, लेकिन प्लीज वही लोग अप्लाई करेगा जो कि फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। वी प्रॉमिस दैट कुछ टाइम बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ रिवील करेंगे। कुछ बहुत अच्छी न्यूज आप सबके लिए आने वाली है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भरनी है एंड आपको अपना बिल अमाउंट एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बिल पे करना होगा, बट एक बात ध्यान में रखना होगा, पेमेंट के लिए यू हैव टू चूज डेबिट कार्ड एज एन ऑप्शन। अगर बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया तो आपको 1% का कैशबैक नहीं मिलेगा। और बस लास्ट स्टेप में आपको OTP डाल के पेमेंट ऑथराइज करनी होगी। ये जो मैंने आपको भी मेथड बताया, दिस इज बाय यूजिंग HDFC's नेट बैंकिंग पोर्टल। ये सेम तरीका आप HDFC की ऐप में जाके भी कर सकते हो। ऐप से करने के लिए आपको टॉप लेफ्ट मेन्यू में क्लिक करके बिल पे ऑप्शन में जाना होगा। आगे के स्टेप्स बाकी सारे सेम है। चलो ये तो बात होगी कि कैशबैक आपको कैसे कमाना है, लेकिन ये कैशबैक आपको कब मिलेगा, इस कैशबैक को आप यूज कैसे कर सकते हो, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप ये ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको जो कैशबैक है वो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। दैट विल एटलीस्ट टेक 2 to 3 days फॉर योर कैशबैक टू शो। इसको कंफर्म करने के लिए आपको HDFC के नेट बैंकिंग पोर्टल में जाना होगा। वहां पे आपको कार्ड्स सेक्शन में क्लिक करके इंक्वायर सेक्शन में जाना होगा। यू कैन फॉलो द रेड एरोज इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। यहाँ पे आपको अपने सारे डेबिट कार्ड्स दिख जाएंगे अलॉन्ग विद द रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो दिखेंगे ही, साथ में आप यहाँ से इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। बट ये जो कैशबैक मिलेगा सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहती है। दैट मींस आपको विदिन 1 ईयर ये कैशबैक यूज करना पड़ेगा, नहीं तो सारे बेनिफिट्स लैप्स हो जाएंगे। और आप मिनिमम 250 पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, इससे कम नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नो मैटर आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है, आपकी जो 1 पॉइंट है उसकी वैल्यू 1 रुपए ही रहेगी। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को रिडीम करोगे उतने ही अमाउंट का कैशबैक आपके HDFC सेविंग्स अकाउंट में नेक्स्ट डे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि जो 1% का कैशबैक वाला मेथड है वो आप
HDFC क्रेडिट कार्ड में यूज नहीं कर सकते हो ये कैशबैक कमाने के लिए, एंड इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव हैक है। हैक ये है कि अगर आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल मोबीक्विक से पे करते हो तो आपको 1% का सुपर कैशबैक मिलेगा एंड वो आपके मोबीक्विक वॉलेट में ऐड हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इन आर ओपिनियन HDFC बिल पे वाला सबसे इफेक्टिव तरीका है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से कैशबैक कमाने का। अगर आपको ऐसी अच्छी टिप्स चाहिए एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए टू अप्लाई इन आर सीक्रेट प्रोजेक्ट। एंड डोंट वरी, आप अगर उस पर अप्लाई करोगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास 100% सेफ रहेंगी। टिल देन बी किफायती।